अगर मुझसे कोई बोल दे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मेरे पास क्या था रे था रे एक्सपेरिमेंट था प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए क्या था एनोड रे था या एनोड रे को ही हम लोग क्या बोल देते थे कैनाल रे बोल देते थे और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए हम लोग क्या करते थे बेरिलियम के ऊपर रेडियो एक्टिव मतलब अल्फा पार्टिकल बम्बार करते थे भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपने पास आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए मिला था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर देखोगे कैसा बनेगा ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा ऑन द एक्सिस बन जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीधा सीधा अपने पास तीन चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने पास सिंपल सिंपल सी बात करें अगर मुझसे कोई बोल दे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए मेरे पास क्या था रे था रे एक्सपेरिमेंट था प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए क्या था एनोड रे था या एनोड रे को कोई हम लोग क्या बोल देते थे कैनाल रे बोल देते थे और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए हम लोग क्या करते थे बेरिलियम के ऊपर रेडियो एक्टिव मतलब अल्फा पार्टिकल बम्बार करते थे यही होता था शायद ठीक है सर कैथोड रे एनोड रे इन दोनों में डिफरेंस क्या था कैथोड रे में बात करोगे तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है नॉट डिपेंडेंट ऑन नॉट डिपेंड्स ऑन गैस किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है गैस के ऊपर गैस कौन सा है और कैथोड का मटेरियल किससे है कैथोड मटेरियल इन सबसे डिपेंड नहीं करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे बेसिक चीज बात की जाए एनोड्रे में बात करोगे तो एनोड्रे या कैनाल रे किसके ऊपर डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन गैस उसके बाद ये सारे के सारे कैथोड रे हो चाहे कैनाल रे हो चाहे एनोड रे हो ये सारे के सारे जो रेडिएशंस थी ये सारे के सारे जो रेडिएशंस थी एनोड रे कैथोड रे की ये सारे के सारे एयर कंडक्ट ये किसके एग्जाम्पल थे एयर के कंडक्शन ऑफ एयर था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एयर या फिर कंडक्शन में बात करूं कंडक्शन इन एयर अगर एयर की कंडक्टिविटी एयर कंडक्टिविटी एयर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी सारे की सारी कहानी किसके ऊपर बात करते थे एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो प्रेशर वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज वेरी हाई वोल्टेज ये बेसिक कहानी थी जो आप शुरुआत में एनसीआर पढ़ोगे तो उसके अंदर यही सब छोटी चीजें दिखेंगे बस यही सब छोटी चीजें भाई ब्रेक अब भी साढ़े पांच मिलेगा साढ़े पांच मिलेगा एटॉमिक छोटा सा चैप्टर है जल्दी जल्दी हो जाएगा सुन लो कहानी एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भेट वेरी लो प्रेशर वेरी हाई वोल्टेज एनोड रे कैथोड रे कैनाल रे यहाँ पे दो तीन चीजें आएंगी अपने पास एक तो ई बाई एम का रेशियो देख लीजिएगा ई बाई एम का रेशियो या इसको हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक चार्ज ये क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो देखोगे स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो ई बाई एम का रेशियो ये किसका ज्यादा होता है सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का फिर प्रोटॉन का और फिर अल्फा पार्टिकल का फिर न्यूट्रॉन का याद रखना अपने पास अल्फा पार्टिकल का जो रेशियो होता है वो ई बाई एम रेशियो ऑफ अगर अल्फा पार्टिकल लिख रहा हूं तो ई e बाई एम रेशियो ऑफ प्रोटोन के जस्ट हाफ हो जाता है सबसे ज्यादा किसका होगा इलेक्ट्रॉन का फिर प्रोटोन का फिर अल्फा का फिर किसका होता है न्यूट्रॉन का ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा और फिर न्यूट्रॉन इसके हिसाब से कर लो ठीक है ये देख ले भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है अपने पास जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स की बात की जाती है आपको ही बता दूं जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी पार्ट नहीं होते आर नॉट द पार्ट ऑफ आर नॉट द पार्ट ऑफ ई एम कभी भी देखोगे इलेक्ट्रॉन से जो वेव जनरेट होती है तो वो कभी नहीं करेगा सर चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे क्यों सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रखना कैथोड रे रे नहीं होगा एनोड रे नहीं होने वाला है एनोड रे नहीं होने वाला है अल्फा रे नहीं होगा बीटा रे नहीं होने वाला है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दे डेविएट्स डेविएट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करते हैं क्यों क्योंकि इनके खुद के ऊपर चार्ज होता है दे आर चार्ज तो इसीलिए क्या करते हैं डेविएट करते हैं एंड दैट्स वाई दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ई एम वेव्स ई एम के पार्ट नहीं होते कैथोड रे एनोड रे अल्फा बीटा ये सब ई एम वेव के पार्ट नहीं होते आपको याद रखना है तो याद रखिएगा अपने पास गामा रे होता है जो अल्फा रे का पार्ट होता है या फिर एक्स रे होता है जो अल्फा रे का पार्ट होता है अब एक्सरे की बात आई तो एक्सरे याद रखिएगा एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है एक्सरे प्रोड्यूस होने के लिए भाई साहब एक्सरे प्रोड्यूस होता है एक्सरे का प्रोडक्शन कब होता है कैथोड 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 रे 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 जब एक्सरे कब प्रोड्यूस होगा फॉल्स फॉल्स ऑन ऑन हेवी मेटल किसी हेवी मेटल लाइक प्लेटिनम और इन सब के ऊपर पड़ जाए तो वहां पर क्या जनरेट होगा एक्सरे जनरेट हो जाता है अगेन ये छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे चीजें देख लेना एटम के बारे में बात करते हैं एटम के बारे में बात करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़ लो भाई ठीक है अपने पास एटम में कैथोड एनोड एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा न्यूट्रॉन इन सब की बात कर रहे हैं ये किसका पार्ट नहीं है एलियम वेव का पार्ट नहीं है ये अल्फा की रेज गामा रेज अपने को अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया था वो सारे एक्सपेरिमेंट देखे हुए जैसे मान लो इस तरह क्वेश्चन दे दिया गया ये देख लो इस तरह क्वेश्चन दे दिया गया जहां सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए गए विच इज ट्रू कौन सा ट्रू है बताओगे कौन सा ट्रू होगा कौन सा ट्रू होगा कौन सा ट्रू होगा पीडीएफ मिल जाएगा भाई जल्दी क्या होगा कौन सा ट्रू होगा जल्दी जल्दी आंसर बताओ ईएम वैल्यू ऑफ जनरली किसका अलग अलग गैसेस का कैथोड रे का कभी भी कैथोड्रे गैस पे डिपेंड ही नहीं करती ना तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा एनोड रे क्या होगी डिफरेंट गैसेस में अलग अलग डिपेंड करती है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ई बाई एम रेशियो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं सर सबसे ज्यादा किसका होता है इलेक्ट्रॉन का फिर किसका होता है प्रोटॉन का फिर किसका अल्फा पार्टिकल का फिर किसका न्यूट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा किसका हो जाएगा सबसे स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा कौन सा होगा डी होगा ये याद रख दूसरा देखोगे इसके बाद देखोगे तो अपने पास अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं तो ईएम वेव्स को याद करने का तरीका क्या होता है आपने फिजिक्स में भी कर रखा होगा यहां पे हम लोग बार बार याद रखने की कोशिश करते हैं कि रेडियो में आई वचन देता हूं आई वो यू आई वो यू एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा मतलब ये रेडियो वेव्स हो गई ये क्या हो गया रेडियो वेव्स हो गई सर याद करने का सिंपल ट्रिक याद रखिएगा रेडियो में रेडियो रेडियो वेव्स माइक्रोवेवस इंफ्रारेड इंफ्रा रेड ये क्या हो गया विजिबल ये क्या हो जाएगा अल्ट्रावायलेट यूवी वी रेडिएशन एक्सरे रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा गामा रेस ये क्या हो जाएगा गामा रेस और यह क्या हो जाएगा कॉस्मिक रेस सर आपको ई एम वेवस का एक ओवरऑल बता दूं तो ये अपने को चार्ट मिलेगा अब याद रखने का तरीका ये होता है कि भैया इधर से इधर जाते हैं जैसे जैसे ये बात बोलेंगे आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंक्रीज होगी अगर आप इधर से इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा अपोजिट तो साइड क्या हो जाएगा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो अपोजिट साइड लेमडा क्या होगा इंक्रीज होगा इधर आएंगे तो लेमडा बढ़ेगा उधर जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो याद रखने का तरीका अलग अलग है ठीक है है, आपको अपने तरीके से याद है अपने तरीके से याद करिए क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होने चाहिए फ्रिक्वेंसी जाने का तरीका क्या है कि सर जैसे जैसे रेडियो में आप वचन देंगे आपको ही पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा ओके जैसे जिसको जैसे याद रखना ठीक है जैसे याद रखना हो वैसे याद कर सकते हो रेडियो में आई वचन देता हूं मैं वचन देता हूं इस गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा दिस इज द वे ई एम वेब्स आप याद कर सकते हो अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन का आंसर बता दो अगर आपको याद आ चुका है या पहले से पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आंसर बताओ जल्दी से जल्दी खुद से देख लो एग्जाम हॉल में आपको ये देखना है क्या होगा क्या आंसर आएगा ठीक है क्या आंसर आएगा क्या आंसर आएगा क्या होगा फिजिबा अपने पास सबसे ज्यादा किसका होगा रेडियो माइक्रो कौन सा आंसर सही होगा सर आंसर कौन सा सही होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पे ये बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पे ये बात करेंगे बेसिक बेसिक चीजें बेसिक सी चीजें देख लो अपने पास ठीक है उसके बाद मुझे किसने बोला सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात कर ले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करें तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या हो जाएगा सर आपको ही पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि सर एनर्जी जो होती है किसी भी प्रोटोन की फ्रिक्वेंसी की डायरेक्टली प्रमोशन होती है तो इनर्जी इज इक्वल्स टू एच इन न्यू ठीक है और अगर एन फोटोन्स हैं अगर एन फोटोन्स हैं तो एन फोटॉन्स के लिए क्या हो जाएगा एनर्जी इज एन एच इन टू न्यू एनर्जी एन एच न्यू हो जाएगा फिर हमें पता है कि सर फ्रीक्वेंसी जो होती है अगर बात करूं न्यू न्यू फिजिक्स में पढ़ रखा है तो यहां पे न्यू के बदले क्या पुट कर सकता हूं सी बाई लेमडा याद रखना कभी भी फ्रीक्वेंसी और लेमडा का ग्राफ अगर कोई पूछ दे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा मुझसे यही फॉर्मूला बोला गया तो मैं इसको एच सी बाई लेमडा लिख सकता हूं या एन एच सी बाई लेमडा लिख सकता हूं मुझसे फॉर्मूलाज पूछे गए एन का नंबर याद रखना एन क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स और ये हमेशा क्या होगा होल नंबर होगा एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी होल नंबर होगी रीजन कभी भी एक फोटोन आएगा दो फोटॉन आएगा तीन फोटॉन आएगा चार फोटॉन आएगा ठीक है तो यहां पे कभी भी होल नंबर आएगा कभी भी और कुछ नहीं आएगा ठीक है ना अपने पास ऑब्वियस है पैकेट्स ऑफ एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कह रहा था कि भाई कोई भी एनर्जी जो आती है कोई भी रेडिएशन आती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है वो क्या होती है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं छोटे छोटे क्वांटाज होते हैं छोट छोटे छोटे क्वांटम होते हैं कि भाई इनके पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी है इसके पास एनर्जी है इसके पास एनर्जी है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी को देखोगे तो एक फोटोन के अंदर कितनी होगी h न्यू या hc/lambda सर n फोटॉन्स के अंदर क्या होगी nhc/lambda दूसरी बात दूसरी बात भाई साहब ये देख ले दूसरी बात ये देख अगर आपके पास कोई बंदा ये देख लेना अपने पास अगर न्यू फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब करता है और न्यू 1 और न्यू 2 अगर रिलीज करता है तो इनर्जी डायरेक्टली एडिटिव होगी यहां पे न्यू इज नथिंग न्यू वन प्लस न्यू टू आप यूज कर सकते हो बिकॉज इनर्जी क्या हो रही है एब्सॉर्व हो रही है इनर्जी आप एब्सॉर्व कर रहे हो आप फ्रिक्वेंसी एब्सॉर्व कर रहे हो और फ्रिक्वेंसी रिलीज कर रहे हो लेकिन अगर यही चीज किसके लिए हो जाए अगर यही चीज वेवलेंथ में हो जाए कि सर आप लेमडा वेवलेंथ इन एड कर रहे हो एब्सॉर्व कर रहे हो लेमडा वन अपने पास रिलीज कर रहे हो लेमडा टू रिलीज कर रहे हो तो एनर्जी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो वन बाई लेमडा इज इक्वल्स टू वन बाई लेमडा वन प्लस वन बाई क्या हो जाएगा लेमडा टू ये फॉर्मूला आ जाएगा वन बाई लेमडा वन प्लस वन बाई लेमडा टू ऐसे करके करते रहो भाई सुन लो कहानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये फॉर्मूला आया इसको यूज करके अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है अगर ये एब्जॉर्व कर रही है न्यू फ्रिक्वेंसी अगर रिलीज कर रही है न्यू वन बाई न्यू टू तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एडिटिव होगी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एडिटिव होगी ठीक है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एडिटिव होगी लेकिन अगर सर लेमडा लेमडा वन लेमडा टू हो रहा है तो उसके किस में फिर लेमडा की क्या होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा होगा एनर्जी क्या हो रहा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है दूसरी बात अगर मुझसे कोई बोल दे कि सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का अगला एप्लीकेशन क्या था अगला एप्लीकेशन क्या था तो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में साय, अपने पास आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए मिला था क्या बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि भैया कोई मेटल है कोई मेटालिक सर्फेस है याद रखना ये किसके लिए होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटालिक सर्फेस पे होता है अगर आप ये मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो उस चैप्टर को बार बार फिर से यही सब चीज रिपीट हो रही अगर मेटालिक फिरफिस है अगर आपने किसी फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आपकी ये है अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये है अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये है तो आप शुरुआत में ही इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते हो आप पहले कुछ देर तक एनर्जी कहाँ देते हो वर्क फंक्शन में पहले कुछ देर तक एनर्जी कहाँ देते हो वर्क फंक्शन में जैसे ही आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन से एनर्जी से ज्यादा होगी या थ्रेसोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी यहां पे क्या होने वाला है यहां पे क्या होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यही होता है ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिलीज होता है तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर फॉर्मूला क्या आया कि सर जो इंसिडेंट इनर्जी होगी जो इंसिडेंट इनर्जी होगी जो इंसिडेंट इनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी थ्रेसोल्ड इनर्जी वो थ्रेसहोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा तो सर इंसिडेंट एनर्जी कितनी है एच न्यू and that will be h nu not minus plus kinetic energy sir ek si simple sa yaad rakhna nu not nu kya hai incident frequency nu kya hai incident frequency aur nu not kya hai aapke paas threshold frequency nu not kya hai threshold frequency aur threshold frequency ये देख लो kinetic energy का formula यहां से निकालोगे तो kinetic energy का formula क्या आ जाता है h न्यू minus न्यू not काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना चाहें अगर आप ऐसे निकालना चाहो कि हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी पूरा निकालना चाहते हो तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी y इज इक्वल्स टू एम एक्स ये y एक्सेस पे ले लेते ये अगर ये y एक्सेस पे ले, ले लेते इसको x एक्सेस पे लेते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं आएगा अगर ग्राफ देखेंगे तो ये क्या है थ्रेशोल्ड इसका ग्राफ बनाओगे कैसा ग्राफ बनेगा ये देख लो काइनेटिक एनर्जी अगर आपने ग्राफ बना दिया काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का तो कैसा ग्राफ बनेगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ देखा है हम लोगों ने एम एक्स प्लस सी का ग्राफ देखा हुआ है सर यहाँ से निगेटिव निगेटिव होगा निगेटिव में अपने पास निगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है तो ये होगा और ये जो अपने पास फ्रीक्वेंसी है ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी न्यू नॉट के इक्वल होगी हो तो ये ग्राफ याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ ये फिजिक्स में भी किया होगा आपने ये फिजिक्स में भी किया होगा आपने ठीक है तो ये

क्या चेंज होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बढ़ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी से कोई देना देना नहीं इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स और नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ा तो उससे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा ठीक है ना काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये देख लो काइनेटिक एनर्जी अगर इंटेंसिटी के साथ बात की जाए तो इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखोगे सर इंटेंसिटी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी क्यों क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ी सर इंटेंसिटी बढ़ी एक काम करो ये दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो ये एन टाइम्स हो गया ऑब्वियस सबके लिए फोटो आ, ये फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी सब एन टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी एन टाइम्स हो जाएगी तो ऐसे कर दो पक्का चलो अब देख ले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात की जा रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी जो आया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आया या फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे अगर इसी के बारे में बात करें काइनेटिक एनर्जी ये देखना काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस न्यू नॉट सर ये थ्रेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्ज़ॉर्व होता है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्ज़ॉर्व होगा ऑब्जॉर्व कब होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्ज़ॉर्व होता है तो उसके लिए कहानी ये आ जाती है कि भैया जब न्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए न्यू नॉट हो जाए अगर अदरवाइज इक्वल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और लेस देन हुआ तब तो गया ठीक है ग्राफ में भाई इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी सेम और काइनेटिक एनर्जी का ये वाला ग्राफ याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है ठीक है ओके ये देख ले भाई अपने पास ये फोटो इलेक्ट्री इफेक्ट हो गया फोटो इलेक्ट्री इफेक्ट में और कुछ नहीं एक वर्ड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ नथिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग कुछ नहीं आपको सिंपल सा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से सर स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको तेज़ी से निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी अगर जूल्स में है काइनेटिक एनर्जी अगर जूल्स में है काइनेटिक एनर्जी अगर जूल्स में है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल दो किससे डिवाइड करके सर डिवाइड करके कौन सा कर दो अपने पास ये ओके अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी जैसे अब ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि सर ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी कौन सा ग्राफ करेक्ट ग्राफ है करेक्ट ग्राफ कौन सा है तो करेक्ट ग्राफ कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऐसे डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ऐसे डिपेंड नहीं करती काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से ऐसे काम नहीं करती कौन सा ग्राफ ग्राफ करेक्ट होगा फर्स्ट वन इज द करेक्ट ग्राफ ना फर्स्ट वन करेक्ट ग्राफ होगा ना अपने पास फर्स्ट वन क्या होगा करेक्ट ग्राफ होगा ठीक है फर्स्ट वन क्या जाएगा करेक्ट ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे क्यों चलेगी भाई ऐसे अपोजिट क्यों चलेगी इनवर्सली थोड़ी चलेगी ऑब्वियस है क्या होगा काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे कर रहा होगा यहां पे फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर ही चलेगा थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी पार करेगा तभी ऊपर जाएगा थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी पास करेगा तभी ऊपर जाएगा ठीक है थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी पास करेगा तभी अपने पास अच्छा ओके okay, यहां पे अरे भाई अरे ठीक है ना भावनाओं को समझ भाई हाँ ठीक है मैं ये काइनेटिक एनर्जी होगा और ये क्या हो गया इंटेंसिटी क्या फर्क पड़ रहा है ये देख भाई इंटेंसिटी बढ़ाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी सेम रहेगी अगला क्वेश्चन देख अपने पास जब भी तुझे क्वेश्चन मिलेगा तो अब देख फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद मेरे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेजर चीज आती है आइंस्टाइन का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक फैट का सबसे ज्यादा जो मेजर uh, पार्ट आता है वो आता है बोर्स बोर्स थ्योरी बोर्स मॉडल सर बोर्स मॉडल में बात करोगे बोर्स मॉडल में अब थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल भाई मेरे से मत पूछना थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल आप ऑलरेडी कर चुके हो कहां पर फिजिक्स में इवन आप थॉमसन और रदरफोर्ड के अलावा थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में आप रदरफोर्ड मॉडल फिजिक्स में जब करते हो तो आपको पता चल जाता है कि फिजिक्स में आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बता दिया जाता है कि

सर ये आप फिजिक्स के ऊपर मत जाइए आप ये सिंपल सा देख लीजिएगा के जेड इन ई अपॉन आर स्क्वायर इज नथिंग सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर दूसरा पॉस्टुलेट क्या था जो मेजर पॉस्टुलेट की बात करें तो बोर्स ऑर्बिट में बोर्स मॉडल में क्या बोला गया था कि बोर्स मॉडल में बात करेंगे तो दूसरा पॉस्टुलेट ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम जो होगा ठीक है एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा एनएच अपॉन टू पाई के या फिर एम वी आर इजिक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई एम वी आर इज टू एन एच अपॉन टू पाई ये हम लोग दो मेजर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते बाकी इसके अलावा देखोगे तो इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी कब करेगा इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी कब करेगा जब वो क्या करने वाला है वेन दे मेक अ ट्रांजिशन जब वो क्या करे एक ट्रांजिशन बना रहे हो कहीं से कहीं जा रहे हो ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन तभी लूज और गेन करेगा इनर्जी जब वो इलेक्ट्री ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाएगा हो सकता है इनर्जी गेन करे हो सकता है इनर्जी लूज करे तो ये ध्यान रखना एम वी आर इज टू एन एच अपॉइन टू पाई एम वी आर इज टू एन एच अपॉइन टू पाई एच बाई टू पाई को हम लोग एच बाई टू पाई को हम लोग कहीं कहीं पर एच बार भी लिख देते हैं एच बाई टू पाई को हम लोग कहीं कहीं पर एच बार भी लिख देते हैं ये बेसिक पॉस्टुलेट्स माने गए बेसिक इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स की बात कर रहा हूँ कि एनर्जी कब लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन कब करता है जब वो ट्रांजिशन करता है ट्रांजिशन मतलब क्या हो जाएगा ट्रांजिशन का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई साहब अगर आप एक लोअर एनर्जी से हैं एक लोअर एनर्जी लेवल पे हैं आपका ऑर्बिट फिक्स्ड है एक लोअर एनर्जी लेवल पे हैं और एक हायर एनर्जी लेवल पे हैं तो आपके पास ऊपर से नीचे जब जंप करोगे हायर एनर्जी लेवल तो इधर से इधर जाओगे तो एनर्जी क्या करोगे अब्सॉर्ब करोगे एनर्जी क्या करोगे अब्सॉर्ब करोगे और इधर से इधर आओगे तो एनर्जी क्या करोगे रिलीज करोगे लेकिन अगर आप उसी ऑर्बिट में हो अगर आप यहीं पे हो तो यहां पे एनर्जी ना लूज होगी ना गेन होगी तो रदर फूड का ड्रॉबैक यहीं पे बंद हो गया यहां पे हो तो आपकी एनर्जी लूज या गेन नहीं होगी फिर किसने बोला कि सर रिजल्ट बताओ या अपने पास रिजल्ट ऑफ बोर्स कैलकुलेशन बोर्स के कैलकुलेशन का रिजल्ट देख लेते हैं बोर्स ने कैलकुलेशन किया और रिजल्ट क्या क्या निकाला तो रिजल्ट क्या आया रेडियस ऑफ एनएच ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट में अगर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट निकालना है तो आर एन इज नथिंग जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर बाई जेड जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर बाई जेड क्या होगा सर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ये कितना होगा फिफ्टी टू पॉइंट नाइन एन स्क्वायर बाई जेड पीकोमीटर और ये क्या हो गया एंगस्ट्रॉ तो सर सबसे पहला सबसे बेसिक चीज उसने क्या निकाल के दिया मुझे रेडियस का फॉर्मूला इससे पहले थॉमसन और जो रदरफोर्ड फोर्ड थे ना वो लोग क्या कर रहे थे सिंपल सिंपल बता रहे थे कि भाई ऐसा है ऐसा ऐसा होता है यहां पर अपने को दिक्कत नहीं होती ठीक है अपने पास ये देख लो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ये आ गया फिर किसने बोला कि सर वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ एन एथ ऑर्बिट इससे निकाल के देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ एन एथ ऑर्बिट वी एन देखोगे तो वी एन क्या आ गया टू पॉइंट वन एट टेन की पावर सिक्स जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर अगर मैं बात करूँ इसके बाद थर्ड वन एनर्जी ऑफ एन एथ ऑर्बिट की बात की गई एनर्जी ऑफ एन एथ ऑर्बिट की बात की गई तो एन एथ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ जाएगी दैट विल बी ई एन इज नथिंग क्या हो जाएगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेरे पास ये दो छोटे छोटे फार्मूले आ गए जो मैंने कहाँ से ड्राइव किए जो मैंने ड्राइव किए थे कहाँ से अपने पास वहाँ से आ, जो बोर्स और मॉडल है बोर्स मॉडल से ये फॉर्मूले आए मुझे ना इससे सारी चीजें याद नहीं करनी है ठीक है फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है नहीं आप कम से कम इतना याद रखते चलो कि एन स्क्वायर बाई जेड रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड वेलोसिटी जेड बाई एन पे डायरेक्टली पोर्शनल और एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली पोर्शनल टू तो क्या हो जाएगी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर तो रेडियस इस पर डिपेंड करेगा वेलोसिटी इस पर डिपेंड करेगी एनर्जी इस पर डिपेंड करेगी करते रहो रेडियस वेलोसिटी एनर्जी ऐसे निकालते रहो उसके बाद देखोगे कभी भी रेडियस का रेशियो पूछा जाएगा ना भाई साहब तो याद रखना एन वन स्क्वायर बाई जेड वन ऐसे करके जल्दी निकाल सकते हो मेरे हिसाब से पूरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है आप चाहोगे तो ऐसे निकाल दोगे यहां पर एक दो चीजें और आ जाती हैं एक होता है टाइम पीरियड टाइम पीरियड क्या होगा सर टाइम पीरियड कैसे निकलेगा तो टाइम पीरियड टू पाई आर अपॉन वी तो टाइम पीरियड जो होगा वो डायरेक्टली पोर्सनल टू आर बाई वी आर किसके डायरेक्टली पोर्सन एन स्क्वायर बाई जेड वेलोसिटी किसके डायरेक्टली पोर्सनल जेड बाई एन तो सर टाइम पीरियड जो होगा वो डायरेक्टली पोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर तो ये एक फॉर्मूला याद करना है तो याद कर लो अदरवाइज डिराइव भी कर सकते हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी कोई पूछ दे फ्रीक्वेंसी कोई पूछ दे एन एथ ऑर्बिट में तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है वन अपॉन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यू पर डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यू पर करेगा ठीक है तो ये छोट छोटे छोटे फॉर्मूले कर लो अब ये पूरा डिराइव नहीं करना बैठ के आप चाहो तो आराम आराम से करते चले जाओ कभी भी बोर्स मॉडल का क्वेश्चन दे तो आप इस तरह क्वेश्चन लगाते जाओ इस तरह क्वेश्चन करते चले जाओ ठीक है जैसे अब इसमें एक चीज और आती है कि अपने को एक चीज़ और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी के जे डी स्क्वायर बाई आर माइनस काइनेटिक एनर्जी जो होगी वन बाई टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर टोटल एनर्जी जो देखोगे माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर तो इनके बीच का रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन बताओ पोटेंशियल एनर्जी का इसका इनके बीच का रिलेशन आपको फिजिक्स का ये स्टेटमेंट याद रखोगे कि भैया न्यूक्लियस पे प्लस जेड ई है बाहर कितना है माइनस ई है तो इनके बीच में अगर आर डिस्टेंस है अगर आर डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास आर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन सब के बीच में निकाल दो उसके बाद अगर बोर्स मॉडल में बात किया जाएगा तो बोर्स मॉडल में एक दो चीजें और बोली जाती हैं बोर्स मॉडल में और क्या बोला जाता है कि भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अगर आप सिंपल सा इसमें हर एक एनर्जी की ऑर्बिट अपने को फिक्स हो जाती है अगर आप एनर्जी का ऑर्बिट चाहे चलो पहले एक क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर देख लो सबके सामने ये फॉर्मूलाज है सबके सामने ये फॉर्मूलाज है अब एक काम करके देखना एक काम करके देखो ये क्वेश्चन करके देखना ये क्वेश्चन बताना ये क्वेश्चन बताना क्या होगा ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा अपने पास क्या आएगा टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर टोटल एनर्जी का भी लिखा था माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर तो माइनस 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 में तो नहीं होगा तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो हटा दो इन दोनों का रेशियो देख लो कितना रेशियो आ रहा है अपने पास वन रेशियो तो आएगा नहीं कौन सा रेशियो आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा अपने पास वन रिश्व तो आएगा नहीं डी आंसर आ जाएगा ठीक है बस भाई जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं खत्म करते हैं ये देख ले ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ऐसे याद रखना एक सिंपल चीज देता हूं सर जो जेड इज इक्वल्स टू वन ये हाइड्रोजन एटम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बोर्स एटम बोल देते हैं इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बोर्स एटम बोल देते हैं अगर Z1 है तो इसको बोर्स एटम और n इज इक्वल्स टू वन तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्बिट लेकिन इसी को हम लोग नाम दे देते हैं बोर्स ऑर्बिट तो आपको जब भी कुछ बोला जाए तो याद रखना बोर्स एटम या बोर्स ऑर्बिट कोई अलग चीज़ नहीं है वही सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से बता रहा है इस क्वेश्चन में देख लो क्या बोल रहा है वेलोसिटी किस पे डायरेक्टली पोर्सन है जेड बाई एन के डायरेक्टली पोर्शन है जेड बाई एन के लिखने का तरीका देख लेना एग्जाम हॉल में कैसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट किसका हाइड्रोजन का डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट किसका निकालना किसका है हीलियम का सर ये किसके वेलोसिटी डायरेक्टली पोर्सनल टू जेड बाई एन जेड बाई एन वन बाई वन हो जाएगा हाइड्रोजन के केस में क्यों क्योंकि सर जेड भी वन है नंबर ऑफ ऑर्बिट भी वन है यहां पे के केस में क्या होगा एटॉमिक नंबर भी टू है यहां भी टू है तो हाइड्रोजन और हीलियम का दोनों का आप देखोगे दोनों के केस में सर वेलोसिटी क्या आ रही है वन इंस टू वन का रेशियो आ गया वन इंस टू वन का रेशियो आ गया ऑर्बिट का वेलोसिटी क्या होगी एक्सी होगी ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या होगी एक्सी होगी क्यों क्योंकि सर रेशियो टू इंस टू टू जेड बाई एन क्या हो गया टू बाई टू सर एटॉमिक मास नहीं लेना है ना एटॉमिक मास जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है भाई तुमने एटॉमिक मास का ले सीधी -सीधी कोई दे, दे, तो, कैसे निकालेंगे? को दे, दे तो, कैसे निकालेंगे बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट ग्राफ है इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा रेडियस जो होता है वो एन स्क्वायर बाई जेड के और जो वेलोसि रेडियस हाँ, स्क्वायर बाई जेड पे होता है सर देख लो रेडियस और जेड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये ग्राफ सही है रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ये ग्राफ क्या हो गया गलत हो गया रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्या हो गया ये ग्राफ गलत हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ये ग्राफ क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ये ग्राफ गलत हो जाएगा क्योंकि रेडियस एन स्क्वायर बाई जेड के तो मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड रेडियस अगर पैराबोलिक होता तो ऑब्वियस एन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पैराबोलिक आएगा कोई बोलेगा सी भाई वो पैराबोलिक है ठीक है अब देखो अब यहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता था याद करना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सर दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं एक होता है एब्जॉर्बशन एक होता है एमिशन जब आप हाइयर एनर्जी से जब आप हाइयर एनर्जी से अगर आप हाइयर एनर्जी पे है अगर आप हाइयर एनर्जी लेवल पे हो अगर आप हायर एनर्जी लेवल पे हो और लोअर एनर्जी पे आओगे तो आप क्या करोगे एनर्जी लूज़ करोगे आप एनर्जी क्या करोगे लूज़ करोगे देख लो अपने पास ये देख लो इधर से इधर जाएंगे तो सर आप एनर्जी एब्जॉर्व करते हो इधर से इधर जाते हो तो आप एनर्जी क्या करते हो एब्जॉर्व करते हो इस साइड जो होता है वो कौन सा स्पेक्ट्रा बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है इस साइड जो स्पेक्ट्रा बनता है वो कौन सा बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है इस साइड अपोजिट चलोगे तो यहां से यहां जब आओगे तो इधर क्या बनेगा एमिशन स्पेक्ट्रा बनेगा एमिशन होगा एमिशन ऑफ एनर्जी होगी और इमिशन ऑफ एनर्जी होगी तो सर ये क्या बनाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा बनाएगा ये क्या बनाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा बनाएगा इसके केस में आप डायरेक्ट रिडबॉक फॉर्मुला यूज कर लेते हो एंड दैट इज वॉट वन बाई लेमडा इज नथिंग आर जेड स्क्वायर वन बाई एन टू हायर एनर्जी लेवल मतलब एन टू लोअर एनर्जी लेवल मतलब एन वन देख लो अपने पास वन बाई एन टू माइनस वन बाई सॉरी वन बाई एन वन का स्क्वायर तो आप यूज कर सकते हो रेडबॉक्स फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या है वेयर आर इज वेयर वे आर आर वन जीरो नाइन सिक्स सेवन एट सेंटीमीटर इनवर्स या फिर अगर मैं सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स के लिए बोलूं तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये यूज कर सकते हो न बाई आर की वैल्यू कितनी पुट कर लेना 911.5 हंड्रेड अगर आपको न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हो अगर की बात करोगे तो वन बाई आर की वैल्यू कितनी पुट कर लेना 911.5 हो गया अपने को हाइयर से लोअर जाओगे हम हमेशा एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं अगर आप एन से एन आ रहे हो अगर आप एन से एन आ रहे हो आप आपको वेवलेंथ चाहिए तो क्या करोगे ये करोगे वेवलेंथ के लिए ये फॉर्मुला यूज उस करोगे उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्यों यूनिक है क्योंकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में तो चीजें अगर n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है अगर n इज इक्वल टू इंफिनिटी हाइड्रोजन के लिए तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी सबसे मैक्सिमम कितनी हो जाएगी जीरो सर अगर मैं नीचे से आऊं n आऊन ले लेता हूं अगर मैं n ले लेता हूं। करके इनर्जी बना दो एन इज इक्वल्स टू सिक्स ले लेता हूं अगर मैं n इज इक्वल्स टू फाइव ले लेता हूं ऐसे करके एनर्जी बना दूं, इस तरह की चीजें ऐड कर दूं, n इज इक्वल टू फोर ले लेता हूं n इज इक्वल्स टू थ्री ले लेता हूं, n is equals to 2 and the last one एन इजिकल्स टू वन सबसे लास्ट में अपने पास ग्राउंड ऑर्बिट अब मैं अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर आता हूं कहीं से भी अगर आप फर्स्ट पे जंप करते हो कहीं से भी आप फर्स्ट पे जंप करते हो कहीं से भी फर्स्ट पे जंप करते हो किसी भी जगह से आप डायरेक्टली फर्स्ट पे जंप करोगे आपके पास जो भी लाइन्स आएंगी जो भी लाइट्स आएंगी वो सारी की सारी किसकी कहलाएंगे लाइमन सीरीज की और लाइमन सीरीज़ की लाइन्स जो होंगी वो सारी की सारी क्या होती हैं यूवी रेडिएशन की होती हैं अगर आप कहीं से भी सेकंड पे जंप करते हो याद रखना ये सब छोटी छोटे चीज़ें आपको अब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो भी गई होंगी लेकिन हाँ बस लास्ट टाइम पे आपको याद दिला रहा हूं कहीं से भी सेकंड पे जंप करते हो कहीं से भी सेकंड पे तो आपको क्या करना है कहीं से भी सेकंड पे जंप करोगे तो आपको क्या रखना है कि ये कौन सीरीज़ है बामर सीरीज़ है बामर सीरीज मतलब क्या हो गया विजिबल ये क्या हो गया विजिबल हो गया और अपने को बोला जाए कि नहीं सर मैं एक काम करता हूं मैं थर्ड पे जंप कर जाता हूं कहीं से भी थर्ड पे जंप कर जाता हूं अगर आप थर्ड पे जंप करते हो इसके बाद कहीं भी जंप करोगे लाइमन के बाद बामर आएगा बामर के बाद क्या आ जाएगा पाश्चन आ जाएगा ऐसे अब चलता रहेगा ऐसे अब कहीं से भी फोर्थ पे आ जाओ कहीं से भी फोर्थ पे आ जाओ कहीं से भी इस पे आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट हो जाएगा लाइमन बामर प्राश्चन ब्रैकेट और अगर फाइव पे आते हो अगर कहीं से फाइव पे आते हो ये सारे के सारे इधर वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे लाइमन बामर प्राकृत फंड और अगर कहीं से सिक्स पे आ जाते हो तो ये क्या कहलाएगा हमफ्रीज ये क्या कहलाएगा हमफ्रीज ये सारे के सारे इसके बाद बामर के बाद जितने भी हैं ये पाश्चन से लेके ये सारे के सारे ये कौन से सीरीज में होंगे ये सारे के सारे इन्फ्रा होंगे ये क्या होंगे इनफ्रा होंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे इनफ्रा हो जाएंगे तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट हमफ्रीज ये सारे के सारे क्या है स्पेक्ट्रल लाइन है यहां पे दो तीन क्वेश्चन बहुत फेमस है दो तीन क्वेश्चन बहुत फेमस है अगर आप एन से एन वन जंप करो तो दो तीन क्वेश्चन बहुत फेमस है वो कौन कौन से ये देख लो एक होता है टोटल नंबर ऑफ अगर आप एन से एन आ रहे हो एन टू से अगर आप एन वन आ रहे हो एन टू से अगर एन वन आ रहे हो तो पहला क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आपके पास पहला फॉर्मूला आता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या हो जाएगा एन टू माइनस एन वन एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइड बाई टू और अगर कोई पूछ दे कि सर एन टू से एन वन जा रहे थे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन दैट पार्टिकुलर सीरीज इन अ पार्टिकुलर सीरीज मतलब लाइमन में या बामर में या इन पार्टिकुलर सीरीज पार्टिकुलर सीरीज मतलब लाइक like, लाइमन बामर कुछ ऐसा पूछ दिया जाए कि सर लाइमन में बताओ लाइमन की सीरीज की कितनी है बामर एटसेट्रा इस तरह से कुछ पूछ दे तो याद रखिएगा उसके केस में एन टू माइनस एन एंड एन इज द ऑर्बिट फॉर डैट पार्टिकुलर सीरीज जिस ऑर्बिट में आपको आना है पहली चीज ये दिमाग में रखना उसके बाद अगर मान लो कोई लाइमन सीरीज की बात कर रहा है ध्यान से देख लो अपने पास अगर कोई लाइमन सीरीज की बात कर रहा है कोई भी सीरीज दिया हुआ है कोई भी सीरीज दिया हुआ है मान लो लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज में अपने पास कोई बोले

दैट वाई मिनिमम वेव लेंथ लास्ट लाइन अपने पास मैक्सिम एनर्जी एंड दैट इज मिनिम वेवल्थ लास्ट लाइन कहीं भी आओगे लाइमन में यह आ जाएगा सर लाइमन के बाद अगर कोई बामर का पूछ दे तो बामर सीरीज में फर्स्ट लाइन कहां से आएगी जस्ट अपने बगल वाले से और बगल वाले कोई जो फर्स्ट लाइन होती है उसी के अंदर क्या होता है मिनिमम एनर्जी गैप होता है और मैक्सिमम क्या होता है वेवलेंथ और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से किस पे जंप कर जाए टू पे लाइमन के बाद बामर बामर के बाद क्या आ जाएगा पाश्चन पाश्चन सीरीज में देखोगे फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी अपने को सर फोर से थ्री पे वह सबसे मैक्सिमम लेमडा का होगा और सेकेंड लाइन अपने पास ऐसे कर करके लाइमन बामर पास करते चले जाओ फर्स्ट लाइन मतलब जो जस्ट बगल से जंप करता है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऐसे कर करके बात करते रहो ठीक है ये दोनों फार्मूलाज डिफरेंट हैं ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी और ये बोल रहा है किसी पार्टिकुलर सीरीज की लाइंस मान लो पार्टिकुलर सीरीज की लाइंस क्या होगा पार्टिकुलर सीरीज की लाइन मतलब जैसे लाइमन की लाइन बामर की लाइन तो वो वाली चीजें यहां आ जाएंगे लाइमन की बामर के ऐसे आ जाएंगे चलो ये देख लो भाई ये क्वेश्चन देख इलेक्ट्रॉन्स की सैंपल में दिया हुआ है एक्साइटेड स्टेट से कहां आ रहा है ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है एक्साइटेड स्टेट से कहां आ रहा है ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है

एन टू माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टू टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है टू टेन ये क्या हो गया एन टू डिवाइड बाई टू सर ये देख लो माइनस वन प्लस वन सर कितने को डिवाइड करेंगे टेन आएगा मैं लिख सकता हूं बीस को ये क्या लिख सकता हूं ट्वेंटी बाई टू लिख सकता हूँ ट्वेंट कब आएगा ट्वेंटी बाई टू मतलब इसकी वैल्यू ट्वेंटी आनी चाहिए वो कब हो सकती है वो कब हो सकती है सर जब क्या हो जाए अपने पास क्या हो जाए फोर इंटू क्या आ जाए फाइव बाई टू यही हो सकता है ना मतलब एन टू की वैल्यू क्यों हो गई वो एन टू की वैल्यू क्या हो गई फाइव हो गई एन टू की वैल्यू क्या हो गई फाइव मतलब आप जब फाइव से वन पे आओगे जब आप फाइव से वन पे आओगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो जाएंगी आपकी लाइफ में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो जाएंगी टेन कैसे देख लो अब ये फोर इंटू फाइव कैसे किया ये भाई एक सिंपल सा तरीका है आप देखो ना आपको क्या करना है यह ट्वेंटी है मतलब टेन लेके आना है टेन कब आ सकता है किसी को टू से डिवाइड करें और आंसर टेन आए मतलब ऊपर क्या होना चाहिए ट्वेंटी ऊपर ट्वेंटी कब आ सकता है एक नंबर है उससे एक जस्ट बड़ा नंबर है एक नंबर उससे जस्ट एक बड़ा नंबर है ट्वेंटी दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन कब ऐसा आ सकता है फोर इंटू फाइव यहाँ से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आ गई लाइमन सीरीज की लाइन्स जो होंगी लाइमन सीरीज की लाइन्स कैसे निकालेंगे पार्टिकुलर किसी सीरीज की लाइन्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे सर उस माइनस लाइमन सीरीज मतलब सॉरी बामर सीरीज की लाइन निकालनी है ना लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी हो जाएंगी फोर बामर सीरीज की लाइंस मुझे निकालनी है तो बामर सीरीज की लाइंस मेरे लिए क्या हो जाएंगी बामर सीरीज की लाइंस क्या हो जाएंगी ये हो जाएंगी फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा थ्री और वही मेरा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा थ्री ठीक है ओके तो ये आंसर आएगा बस अब इस तरह एक बामर सीरीज में कितनी लाइंस होंगी लाइमन में आ गया बामर में हो गया देखना पार्टिकुलर किसी सीरीज में जाते हैं किसी पार्टिकुलर सीरीज में जाते हैं तो से कहा लास्ट ऑर्बिट उस सीरीज का पार्टिकुलर सीरीज का जैसे लाइमन के बदले लाइमन का लास्ट लाइन क्या होता है वन होता है बामर का सर्च लास्ट ऑर्बिट क्या होता है सेकेंड ऑर्बिट होता है कर दो अपने पास करते रहो बामर लाइमन बामर कितना हो गया टू लाइमन पाश्चन का होगा तो कितना हो जाएगा भाई पास्टन मतलब

excited state excited state wo kya hoga n2 की वैल्यू क्या निकाल ली 5 ही तो आई है n2 की वैल्यू 5 आई है 5 into 4 तो वो excited state 6th state होगा थोड़ी ना होगा अरे n2 की वैल्यू 5 ही होगी भाई ठीक है अपने पास क्या लाइन आ रही होंगी emission टोटल नंबर ऑफ emission लाइंस क्या आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है ग्राउंड स्टेट मतलब क्या हो गया 1 पे आएगा ना 0 थोड़ी ना बोल देंगे फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट थोड़ी ना अरे भाई यहां एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू मैंने क्या ले ली है एन टू ले ली है तो अपने आप क्यों जोड़ दे रहा है भाई तू एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कितनी आई अब अरे कोई भी ऑर्बिट होगा ये फिफ्थ ऑर्बिट है फिफ्थ से वन पे आएगा सिक्स से वन पे कहां से आ गया अपने आप ही ठीक है अपने आप थोड़ी ना होगा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है विजिबल लाइट किस पे लेंगे बामर सीरीज पे अपने पास और कुछ नहीं ठीक है ये देख ले अपने पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये देख लो शॉर्टेस्ट वेबलेंथ लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वेबलेंथ का मतलब क्या होता है जहां एनर्जी गैप क्या हो कम हो एनर्जी गैप कब कम होगा जब टू से कहा आओगे वन पे आओगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन का दिया हुआ है शॉर्टेस्ट वेबलेंथ हाइड्रोजन का दिया हुआ है वन बाई लेमडा मिनिमम किसका दिया है हाइड्रोजन का कितना सर क्या हो जाएगा लाइमन सीरीज में सर आर इन टू जेड वन का स्क्वायर वन बाई वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर ये देख लो वन बाई लेमडा मिनिमम कितना आ गया आर इंटू इसको सॉल्व करोगे वन माइनस वन बाई फोर कितना आ जाएगा वन बाई लेमडा मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू थ्री आर बाई फोर लेमडा मिनिमम वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री आर और इसकी वैल्यू कितनी हो गई एक्स हो गई लेमडा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई एक्स हो गई ठीक है मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई एक्स हो गई मुझे पता चल गया इसके बारे में बात कर रहा है लॉन्गेस्ट वेब लेंथ लॉन्गेस्ट वेब लेंथ कब आता है लॉन्गेस्ट वेब लेंथ कब आता है अच्छा शॉर्टेस्ट वेब लेंथ लेमडा निकालना है ना तो इनर्जी अचार हो गई लेमडा मिनिमम निकालना है ना मिनिमम निकालना है पहले वाले केस में लेमडा मिनिमम मतलब मैक्सिमम इनर्जी गैप तो मैक्सिमम एनर्जी गैप कब होगा जब इनफिनिटी से कहा आओगे वन पे आओगे इन्फिनिटी से वन पे आओगे तो इन्फिनिटी से वन पे आओगे तो वन बाई लेमडा मिनिमम दैट इज आर इंटू वन का स्क्वायर इंटू वन बाई वन माइनस वन बाई वन का स्क्वायर इंफिनिटी का स्क्वायर तो वन बाई एक्स की वैल्यू जो होगी वो आर आ जाएगी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई आर आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाई आर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेंथ निकालना है बामर सीरीज में तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेंथ कब आएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेंथ कब आएगा ऑफ बामर सीरीज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ कब आता है जब एनर्जी क्या हो कम हो एनर्जी कम होगी तो मतलब बामर सीरीज लाइमन बामर थ्री से कहा आ जाए टू पे तो वन बाई लेमडा मैक्स निकालना चाह रहे हो दैट इज आर जेड का स्क्वायर जेड मतलब 1 by, so 2 1 3 करेंगे 1 निकालना है फोर आर इंटू वन बाई फोर माइनस वन बाई नाइन सोल्व करोगे कितना आ जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर आर इंटू फाइव बाई थर्टी सिक्स दैट इज फाइव बाई नाइन मैक्सिमम जो आएगा लैगडा मैक्स जो आएगा वो नाइन बाई फाइव इंटू वन बाई आर आएगा और वन बाई आर की वैल्यू कितनी है नाइन बाई फाइव एक्स आ जाएगा तो कर दो नाइन बाई फाइव एक्स आ जाएगा उठा उठा करते रहे भाई इसको देखते रहे ठीक है नाइन बाई फाइव एक्स हो जाएगा बस इतना अब देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब इनर्जी क्या होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए इनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए वेवलेंथ मतलब इनर्जी क्या होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए इनर्जी मिनिमम मतलब बगल से ही जंप कर जाए मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी से जाके जंप कर जाए इन्फिनिटी से क्या हो जाए जंप कर जाए तो वैसे करके करते रहो भाई ये छोटे चीजें उठा उठाए उठा करते रहे भाई इसके लाइमन सीरीज बामर से क्वेश्चन हो गए उसके बाद देख ले अगर मुझसे कोई पूछ दे कि सर बामर सीरीज लाइमन सीरीज अपने पास ये हो गया बोर्स मॉडल में अगर इसकी बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हो गया बोर्स मॉडल हो गया बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी वेलोसिटी रेडियस इन सब की बातें हो गई तो बोर्स मॉडल से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जाने से पहले बीच में हमारी लाइफ में कौन आता है बीच में हमारी लाइफ में आता है कौन सा एक आता है डिब्रॉगली डिब्रॉगली वेवलेंथ आता है डिब्रोगली वेवलेंथ आता है डिब्रोगलीस क्या बोलता है कि भैया डिब्रोगलीस अपने पास हाइपोथेसिस हम बोल देते डिब्रोगली हाइपोथेसिस के सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूं याद रखना लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है लेमडा इज नथिंग एच अपॉन पी या फिर एच अपॉन एम वी या फिर याद रखो अपने पास इसको हम लोग लिखना चाहें एच अपॉन अंडर रूट टू टाइम्स एम इन टू काइनेटिक एनर्जी या फिर एच अपॉन अंडर रूट टू टाइम्स एम इन टू सर चार्ज Q इन टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फॉर्मूला पूरा का पूरा लेमडा का होता है ये कौन सा लेमडा है तो ये मैटर वेव्स है मैटर वेव्स मतलब कोई भी यहां पे याद रखना जब भी आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो m याद रखना किसमें पुट करना है के जी में और वेलोसिटी किस में पुट करना है मीटर पर सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी झूल्स में तो याद रखो लेमडा जो होता है डायरेक्टली पोर्सनल टू इनवर्सली पोशनल टू मोमेंटम डिब्रोगली आई प्रोसेस क्या बोलता था कि भैया कोई भी बंदा अगर कोई भी बंदा अगर मूव करेगा तो इनवर्सली मोशनल टू क्या होगा मोमेंटम होगा बस ये ध्यान रखना ये ध्यान रखना उसके बाद एक चीज और डिब्रोगली ने एक चीज और प्रूफ कर दी थी जो बोर्स ने ही प्रूफ किया था डिब्रोगली ने क्या बोला था कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है ना वो ऐसा ऐसा मोशन हो रहा होगा ऐसा ऐसा मोशन हो रहा होगा तो यहाँ पे एन लेमडा ज इक्व टू टू पाई आर ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट एन लेमडा याद रखिएगा एन लेमडा इज नथिंग पाई आर ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट एन लेमडा फॉर एन ऑर्बिट अगर एनए ऑर्बिट में आप जाते हैं तो एन लेमडा जो होगा ये रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट जैसे थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे तो थ्री एलेमडा इज नथिंग टू पाई आर इन टू एन ठीक है तो टू पाई आर एन लेमडा हो जाएगा तो ये करते रहो ठीक है ये करते रहो हो जाएगा तो ये अपने पास उठा, उठा उठा कर ले डिब्रोकली हाइपोथेसिस में कुछ नहीं बस याद रखना यहां मास जब भी पुट करोगे केजी में वेलोसिटी पुट करोगे मीटर पर सेकंड में पुट करने वाले हो दूसरा सर इसके जस्ट बाद कौन आता है हाइजनबर्ग हाइजनबर्ग ने बोला भाई साहब मुझे ना फर्क नहीं पड़ता हाइजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि भाई साहब आप गलत बोल रहे हो जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना इनके बारे में आप चाहे जितना भी कुछ कर लो आप इनकी पोजिशन एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते और एक ही टाइम पे मोमेंटम नहीं निकाल सकते इनकी वैल्यू हमेशा एच बाई फोर पाई से ज़्यादा ही होगी अनसर्टनिटी जो है अनसर्टनिटी जो होगी पोजिशन के अंदर अनसर्टनिटी इन पोजिशन अनसर्टनिटी इन पोजिशन और अनसर्टनिटी इन अपने पास मोमेंटम अनसर्टनिटी इन मोमेंटम ये क्या होगा अनसर्टनिटी इन मोमेंटम ये हमेशा किससे ज़्यादा होगा सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई फोर पाई या फिर एच बाई एच बाई टू पाई को हमने क्या बोल दिया है बार तो याद रखना इसको ऐसे भी लिखा मिला सकता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच बार ऐसे भी मिल जाए तो डरना मत इसके अलग अलग एक्सप्रेशन लिखे होते जैसे कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि सर डेल्टा एक्स मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो किसके कारण आएगा डेल्टा वी तो एच अपॉन फोर पाई कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है डेल्टा एक्स इन डेल्टा वी एच अपॉन फोर पाई एम ये भी फॉर्मूला मिल सकता है वहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सर एक काम करते एक काम कर लेते हम लोगों को मोमेंटम पता है मोमेंटम पता है तो हम लोग क्या करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इसको एक काम करते हैं डेल्टा पी अपने को मोमेंटम पता है तो मोमेंटम डिवाइड बाई क्या कर दें टाइम और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दें टाइम दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई फोर्स मोमेंटम बाई टाइम क्या हो गया फोर्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ये क्या हो गया फोर्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एनर्जी तो इसको हम लोग देख लो कैसे कर रहे ये क्या हो गया फोर्स फोर्स इंटू दिस वन इज नोन एज एनर्जी तो हम लोग एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच अपॉन फोर पाई ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं स्रोडिंग सॉरी इसके लिए हैजनबर्ग अनिटी प्रिंसिपल के लिए तो ये वाला आंसर निकाल लो ठीक है अब इस तरह के अलग अलग एक्सप्रेशन है इसके एक्सप्रेशन इसके एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन जो एग्जाम में दिया हो हो सकता है एग्जाम हॉल में ये एक्सप्रेशन दिया हो उठा, उठा उठा करते रहे भाई एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम पोजिशन सबका जो अनसर्टनिटी आएगा हमेशा ग्रेटर देन दिस आएगा ओके ये देख लो मुझसे किसने बोला सर ये क्वेश्चन कैसे होगा डिब्रॉगली वेबलेंथ डिब्रॉगली वेबलेंथ क्या होता है सर सेम स्पीड है डिब्रॉगली वेबलेंथ स्पीड अगर सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा भाई पढ़ने वाले लोग जल्दी जल्दी आंसर बताओ डिब्रॉगली वेबलेंथ अगर सेम स्पीड है तो किस पे करेगा किस पे डिपेंड करेगा जल्दी से जल्दी आंसर बताओ फास्ट इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा क्या होगा ऑब्वियस है ना जिसका मास अपने पास जिसका मास ज्यादा होगा अगर मास इंक्रीज हुआ तो लेवलेंथ क्या हो जाएगा डिक्रीज इलेक्ट्रॉन दिया है प्रोटॉन दिया है सीओ टू दिया है एसओ टू दिया है एसओ टू का मास क्या है सबसे ज्यादा एसओ टू का मास ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा कम ध्यान से देख लो अभी बहुत सारे लोग वन आंसर दे रहे जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम आएगा ना सर उल्टा सोच रहे हो लिस्ट बोला है लिस्ट बोला है देख लो इसी को बोल रहे एग्जाम हॉल में यही तो गलती नहीं करनी है यही गलती नहीं करनी है आप सब लोग देख लो यहीं पे कुछ लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया वो एग्जाम हॉल में सब लोग ये गलती मार सकते हो ट्राई करना जैसे ही करेगा मास पे मास ज्यादा हुआ वेबलेंथ कम मुझे लिस्ट चाहिए तो अब सबसे ज्यादा मास वाला चाहिए सबसे ज्यादा मास किसका है एसओ का है सबसे ज्यादा मास किसका है एसओ का है यह देखना है क्वेश्चन अनसर्टनिटी इन पोजिशन दिया हुआ है एंड मोमेंटम आर इक्वल मतलब डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा पी मुझसे बोला जा रहा है कि सर वेलोसिटी का बताओ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये देख लो अपने पास बहुत सही सही क्वेश्चन है एच अपॉन फोर पाइ सर डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी एम क्या लिख सकता हूँ सर डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूँ डेल्टा पी लिख सकता हूं डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन फोर तो ये क्या हो गया एम डेल्टा वी एम स्क्वायर डेल्टा वी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई यहां से देख लो मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा वी का होल डेल्टा एम का होल स्क्वायर डेल्टा वी निकालने जाऊंगा अंडर उच अपॉन फोर पाई डेल्टा एम का होल स्क्वायर सर डेल्टा एम लिख रहा हूं अरे यार एम 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 हो जाएगा ना डेल्टा एम क्यों लिख रहा हूं ये देख लो फोर पाई एम स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बाई फोर का बाहर आ जाएगा टू एम बाहर आ जाएगा नीचे क्या बचेगा एच बाई फाइव बचेगा आंसर निकाल ले भाई क्या आंसर आ जाएगा अपॉन सिंपल सा फॉर्मूला बस याद रखना ये छोटे कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है क्योंकि एग्जाम हॉल में भाई कोई बताएगा नहीं आके कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे यूज करना है आपको खुद ही देखना पड़ेगा हाँ यार ये क्वेश्चन है इस तरह से मुझे सोचना पड़ेगा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ठीक है ये देख ले भाई ये देख अब क्वांटम नंबर स्रोडिंगर इक्वेशन पे आते हैं सरोडिंगर इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं सरोडिंगर इक्वेशन देखते हैं स्रोडिंगर इक्वेशन क्या था सरोडिंगर इक्वेशन और क्वांटम इक्वेशंस पे आते हैं स्रोडिंगर इक्वेशन एंड क्वांटम नंबर्स सरोडिंगर इक्वेशन एंड क्वांटम नंबर्स पे थोड़ा देखते हैं अपने पास सरोडिंगर इक्वेशन क्या था तो भैया कुछ नहीं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू जीरो मेरा स्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है जहाँ पे साई किसको रिप्रेजेंट करता है साई si रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को साई si रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को ठीक है वेव फंक्शन को साई si स्क्वायर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्रोविलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है प्रोवलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और साई स्क्वायर इंटू डी वी जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है प्रोविलिटी probably take a ये बस ये इतना जान जाओ अभी के लिए साई और साई स्क्वायर आपको उस पे जाने जाने की जरूरत नहीं सरो के हिसाब से देखोगे तो सरोडिंगर ने ये इक्वेशन लिख दी कि भैया कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो अलग अलग एक्सिस में ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा होगा दूसरी बात सर दूसरी बात यहां पे सरोडिंगर ने और क्या बोला कि मुझे ना ये इक्वेशन सॉल्व करोगे सॉल्व करोगे तो सोल्यूशन ऑफ स्रोडिंगर निकल के आएगा आपके सिलेबस में सोल्यूशन मतलब पूरा सॉल्व करना नहीं लिखा हुआ है सोल्यूशन जो आएंगे सरोडिंगर के सोल्यूशन ऑफ स्रोडिंगर इक्वेशन अपने पास ऐसे दिख किए जाते साई की जो वैल्यू है वो एन एल एम तीन क्वांटम नंबर्स निकल के आते हैं वेयर एन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल इज़ नोन एज सर एजुमुल क्वांटम नंबर एन इज नोन एज एजुमुथल क्वांटम नंबर और अपने पास एम इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम को हमने क्या बोल दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल दिया सर ये देख लो इसके साथ इसकी लिमिटेशन भी आई क्या कि सर एन की वैल्यू हमेशा जीरो सॉरी एन की वैल्यू जीरो वैल्यू क्या होगी वन टू थ्री डस डॉ एल की जो वैल्यू होगी ये हमेशा कहां से कहां तक तो होगी जीरो से एन माइनस वन तक तो होगी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू जो होगी ये कहां से कहां होगी माइनस एल टू प्लस एल मतलब सर एल किस पे डिपेंड कर रहा है एन पे एम किस पे डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर तो सॉल्यूशन में अपने पास श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से क्या निकल के आया साई si की तीन वैल्यूज निकल के आई साई si की तीन वैल्यूज निकल गई एन एल एम ठीक है एन एल एम उसमें से पहला क्या आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू एन कहां से स्टार्ट होता है वन टू थ्री फोर एजल क्वांटम नंबर एल जीरो से लेकर एन माइनस वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल टू लेके प्लस एल सर क्वांटम नंबर से बात करें तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आता है उसके बारे में देख लो ये किसके रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है टेल्स अबाउट सेल ये किसके बारे में बताता है ऑर्बिट के बारे में बताता है टेल्स अबाउट ऑर्बिट मतलब जिस ऑर्बिट में हो उसके बारे में बताएगा एन की वैल्यू सर सब कुछ हो सकती है वन टू थ्री डैश डैश डैस इन्फिनिटी तक जा सकती है कोई टेंशन नहीं है इसी से आप बोर्स ऑर्बिट भी निकाल रहे थे ठीक है आप जितना भी ये निकाल रहे हो एम वी आर इजिकल्स टू एन एच अपॉइन टू पाई ये जितना भी यूज कर रहे हो एन किसका है इसी का तो है फिर किसका आता है एजूमुथल क्वांटम नंबर एक्चुअली एजूमुथल क्वांटम नंबर से थोड़ा क्वांटम नंबर में पेचीदापन आता है क्या एजुमुथल क्वांटम नंबर एल है ये किसके बारे में बताता है टेल्स अबाउट सबसेल ये सबसेल के बारे में बताएगा मतलब आप सेल के अंदर जब जाते हो सबसेल एल की वैल्यू देखोगे एल की वैल्यू अगर जीरो है तो कौन सा सबसेल होता है एस सबसेल होता है अगर l की वैल्यू अगर वन है तो p सबसेल हो जाता है l की वैल्यू अगर वन है तो p सबसेल हो जाता है l की वैल्यू टू है तो क्या हो जाएगा d सबसेल हो जाएगा और l की वैल्यू अगर थ्री है तो क्या हो जाएगा f सबसेल हो जाएगा तो ऐसे करके एस पी डी एंड एफ ये बताएगा कौन एज मुथल क्वांटम नंबर कौन से एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है एल की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है फॉर एन ऑर्बिट एन एथ ऑर्बिट अगर किसी ऑर्बिट में जाते हैं तो वैल्यू ऑफ एल जो होती है वैल्यू ऑफ एल जो होगी वो कहां से कहां तक होगी जीरो से लेकर एन माइनस वन तक वैल्यू ऑफ एल जो होगी जीरो से लेकर एन माइनस वन मतलब अगर एन वन है तो सर एल की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो मतलब वन एस हो गया एन की वैल्यू टू है तो एल की दो वैल्यूज आएंगे जीरो एल की वैल्यू वन ये यूएस हो गया ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा n की वैल्यू 3 तो ये क्या हो जाएगा सर l की वैल्यू 0 l की वैल्यू 1 l की वैल्यू 2 ये क्या हो गया 3s ये क्या हो गया 3p ये क्या हो गया 3d तो ऐसे करके निकालते जाओ मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर nth ऑर्बिट याद रखना फॉर nth ऑर्बिट नंबर ऑफ सब सेल्स जो होंगे नंबर ऑफ सब सेल्स कितने पॉसिबल होंगे उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब सेल एक सेकेंड ऑर्बिट में दो थर्ड ऑर्बिट में तीन तो ऐसे करके बात चलते चले जाओ यहीं पे अब सारे फॉर्मूलाज भी लिख देता हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे तो ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो एन स्क्वायर होगा नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये यह यहीं पे सारे लिख देता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं टू एन स्क्वायर किसी ऑर्बिट में जाते हैं तो आपके पास ये आता है किसी ऑर्बिट में जाते हैं तो ये चीजें आती हैं अब बस ये छोटे सिंपल सिंपल चीज़ें बस रिवाइज करते चाहो साथ साथ फार्मूला फिर देख लेते हैं एक लास्ट चीज़ अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहता है कि सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम ये किसके बारे में बताता है तो ये किसके बारे में बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में ये किसके बारे में बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में सर इसकी वैल्यू एम की वैल्यू कहां से कहां तक होती है माइनस एल टू प्लस एल याद रखना फॉर पार्टिकुलर फॉर ए पार्टिकुलर सबसेल हर एक सबसेल के लिए अलग अलग होगा याद रखना ये चीज ऐसा नहीं सबके लिए सेम कर दिया हर एक सबसेल के लिए अलग अलग होगा ये एस सबसेल है एस सबसेल में देखोगे तो एल की वैल्यू क्या है जीरो एल की वैल्यू जीरो मतलब एम की वैल्यू जीरो सबसेल में एक ही आता है सबसेल में बात करोगे अगर पी सबसेल की बात करोगे तो पी सबसेल में एल की वैल्यू वन एम की वैल्यू कहां से कहा माइनस वन जीरो प्लस वन एम पी में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं तीन डी सबसेल में बात करोगे तो डी सबसेल में बात करेंगे तो डी सबसेल एल की वैल्यू क्या होगी टू एम की वैल्यू क्या होगी माइनस टू जीरो सॉरी माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू तो ऐसे करके चलते चले जाओ यहां पे देख लो फॉर गिवेन सेल फॉर ए गिवेन सेल अगर कोई तुमसे पूछ दे गिवेन सेल है सब सेल है तो उसके केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे आपके पास दैट इज टूएल्व प्लस वन और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे टू टाइम्स टूएल्व प्लस वन एंड दैट इज इक्वल्स टू फोर एल प्लस टू याद रखिए ये छोटे छोटे फार्मूलाज कहीं एग्जाम हॉल में डायरेक्ट मैथ द कॉलम करने को मिल जाएगा डायरेक्ट मैच द कॉलम करने को मिल सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक आके सब कुछ डिसाइड हो जाता है एन एल एफ सीधा सीधा यहां तक आके सब कुछ डिसाइड हो जाता है क्वांटम नंबर्स में और क्या आता है तो एक स्पिन क्वांटम नंबर आता है जो कि बहुत सिंपल सा है स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा तो भैया ये, ये कुछ नहीं याद रखिएगा ये स्पिन क्वांटम नंबर याद रखना ये सोडिंगर का ही सॉल्यूशन नहीं था स्पिन क्वांटम नंबर क्यों आया बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन के होते तो स्पिन क्वांटम नंबर कुछ नहीं टेल्स अबाउट द रोटेशन ऑफ टेल्स अबाउट Rotation of electron on its own axis. अपने एक्सेस पे कैसे कर रहा है उसके बारे में बताएगा मतलब इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं अगर दो ही वैल्यूज होंगी प्लस माइनस हाफ़ या तो प्लस हाफ मान लो इसको तुमने प्लस हाफ दे दिया अगर स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ दे दी तो इस वाले स्पिन की वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी माइनस हाफ देनी पड़ेगी इस वाले स्पिन की वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी माइनस हाफ देनी पड़ेगी तो स्पिन क्वांटम व सिर्फ और सिर्फ इतना ही है ठीक है स्पिन क्वांटम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है बस याद रखना इट इज़ नॉट द सोल्यूशन नॉट द सोल्यूशन ऑफ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन से से इसका कोई 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 लेना-देना लेना-देना नहीं नहीं था, से कोई लेना देना नहीं था। अगर तुमसे देखोगे तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्वांटम नंबर का तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में या हम बोल सकते हैं कि अब प्रिंसिपल अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो तीन रूल्स फॉलो होते हैं एक तीन रूल्स फॉलो होते हैं कौन कौन से एक अब रूल फॉलो होता है अब रूल क्या बोलता है कि सर जितना ज्यादा अब रूल क्या बोलता है हायर एन प्लस एल की वैल्यू हाइयर द एन प्लस एल हाइयर इज द एनर्जी हायर द एन प्लस एल हाइयर द एनर्जी ठीक है अब रूल क्या बोलता है कि सर हम पहले किसको पहले फुल करेंगे पहले लोअर एनर्जी लोअर एनर्जी लोअर एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट पहले लोअर एनर्जी को फिल करेंगे देन हायर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी इज फिल्ड सर इस तरह से हम सबको फिल कर रहे होंगे ये देख लो सर अब प्रिंसिपल में यह आएगा अगर सेम आ गया किसने बोला सर सेम एन प्लस एल आ गया सेम एन प्लस एल आ गया तो उस केस में सेम एन प्लस एल आ गया देन हायर एन जितनी ज्यादा एन की वैल्यू हाई उतनी ज्यादा एनर्जी की वैल्यू क्या होगी हाइयर इज द एनर्जी हाइयर इज द एनर्जी तो एन प्लस एल की वैल्यू देख लो अपने पास उसके बाद दूसरा कौन सा आता है हूं रूल हूं रूल क्या बोलता है कि भैया आप जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करोगे आप क्या करोगे अगर पी -फोर की बात करते हैं तो पी को आप ऐसे फिल नहीं कर सकते हो पी को आप ऐसे फिल नहीं कर सकते हो याद रखना हूं रूल में ऐसे फिल नहीं होगा पी कैसे फिल होगा पहले आप सबको क्या करोगे एक एक फिल करोगे एक एक फिल करोगे फिर उसके बाद ये फिल करोगे हुंड्स रूल एक टाइप से यही बताता है कि सर जो फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है फिर कौन ज्यादा स्टेबल है हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल है फुल्ली फिल्ड के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा हाफ फिल्ड होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में ये यूज होता है फिर देखोगे तो एक अपने पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है पॉली एक्सक्लूजन क्या बोलता है याद रखना अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका पॉली एक्सक्लूजन ने बोला कहीं भी दो लोग ऐसे नहीं रह सकते अगर एक ही घर में रह रहे हैं तो कहीं भी दो लोग ऐसे नहीं रहेंगे हमेशा कैसे होंगे एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा मतलब सर चारों के चारों सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते कैन नॉट बी सेम कभी भी सेम नहीं हो सकते चारों के चारों तीन हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन चारों को एंटम नंबर नहीं होंगे ठीक है कभी भी किसी के सेम नहीं आएंगे तो ये पॉली एक्सक्लूस प्रिंसिपल हो गया हुंस हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का शॉर्टकट हम सब जानते हैं शॉर्टकट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सबको शायद हम सब शुरुआत से जान रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल कैसे करना है कभी भी याद रखने का तरीका क्या है सो गया सो गया पीकर सो गया पीकर हो गया दवा दारू पीकर हो गया दारू पीकर सो गया दारू पीकर सो गया या फिर ड्रग पीकरर्स हो गया जैसे भी याद हो जाए फिर ड्रग स्पीकरस हो गया या फिर दारू पीकर हो गया तो आप ऐसे करके इसको फिल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इससे ज़्यादा आसानी से नहीं लिखा जा सकता सिंपल सा ये देख लो अपने पास यहां से एस की नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी एस सबसे कहां स्टार्ट होता है फर्स्ट से तो एस यहां से स्टार्ट होगा ये देख लो अपने को फाइव ये क्या हो गया सिक्स ये कितना हो गया सेवन ये कितना हो गया एट सबसेल कहां स्टार्ट होता है टू से तो टू से उसकी नंबरिंग शुरू कर दो टू से उसकी नंबरिंग शुरू कर दो सर अपने को ये B सब्सिल कहां स्टार्ट होता है थ्री से तो उसकी नंबरिंग कहां स्टार्ट कर दो थ्री फोर ये क्या हो गया फाइव ये क्या हो गया सिक्स और ये फोर की नंबरिंग एफ की नंबरिंग कहां से फोर से आपको जब भी कोई फिल करना है सिंपल सा तरीका यही है सो गया सो गया पीकर्स हो गया पीकर्स हो गया दारू पीकर्स हो गया दारू पीकर्स हो गया फिर दारू पीकर्स हो गया फिर दारू पीकर्स हो गया जैसे हमारी लाइफ में होता है ना कि हम पहले पढ़ने का सोचते हैं तो सर पहले पहले सो के उठते हैं फिर फिर पढ़ाई करके सोते हैं फिर सर ज़्यादा डरावनी पढ़ाई करके सो जाते हैं फिर डरावनी पढ़ाई करके सो जाते हैं तो वैसी वाली हालत होती है कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ भाई इतना खतरनाक हो रहे होते तो वही वाला होता है ठीक है भाई ये देख ले जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है आपको कोई बोले सर इनर्ट गैस कहां, कहां पहचान होंगे इनर्ट गैस यहां पे है इनर्ट गैस कहां है यहां पे है इनर्ट गैस जब भी इसमें सिक्स आ गया इनर्ट गैस आ जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इनर्ट गैस में लिखनी है तो ये लिख लो अपने पास इनर्ट गैस की कंफिग्रेशन लिखनी है तो ये रहा इनर्ट गैस का इनर्ट गैस क्या हो गया पी हो गया एक हीम को छोड़ के बाकी आप इसके बाद सबको फिल करते रहो सारे रूल्स फॉलो हो जाएंगे अपने पास ठीक है सारे रूल्स फॉलो हो जाएंगे तो ये इस तरह की चीजें कर लो शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन का हो गया उसके बाद हमारी लाइफ में अब आ जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स के बाद सेप्स अलग अलग लोगों के सेप्स ऑफ ऑर्बिटल सेप्स ऑफ ऑर्बिटल सेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या क्या होते हैं तो भैया देख लो एस में एक ही ऑर्बिटल है तो एस का सेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है एस का ऑर्बिटल जो बनेगा एक ही है एस का सेप एक ही बनेगा स्फेरिकल बनेगा एस स्फेरिकल बन जाएगा अगर पी में बात करें तो पी में अलग अलग लोग आते हैं पी में यहाँ देख लो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है तो इसके केस में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है लेकिन अगर पी ऑर्बिटल की बात करें पी सबसेर में देखें तो सर पी एक्स पी वाई पी जेड तीन होते हैं पी में तीन होते हैं कौन कौन से पी एक्स पी वाई और पी जेड आपको याद रखना है कि सर इन तीनों के पास दो नोडल प्लेन होते हैं अभी दिखने भी शुरू हो जाएंगे दो नोडल प्लेन अगर तुम पीएक्स की बात करते हो तो कुछ नहीं पी एक्स मतलब क्या हो गया अगर ये एक्स एक्सिस है ये एक्सिस है तो पी एक्स कहा बना दो ये बना दो पी वाई की बात करोगे तो पीवाई क्या हो जाएगा अगर ये वाई एक्सिस पे था ये एक्स एक्सिस है तो पी वाई ऐसे बना दो पीजेड की बात करोगे तो सर ये एक्स एक्सिस था ये वाई एक्सिस था एक जेड एक्सिस है एक जेड एक्सिस है एक Z अरे क्या हो गया एक जेड एक्सिस है तो सर जेड एक्सिस पे ऐसे बना दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ये देख लो इन सबके पास दो दो नोडल प्लेन होते हैं जैसे पी में जाओगे तो वाई जेड और इसके नोडल प्लेन आ जाएंगे तो ऐसे ऐसे अपने पास अगर मैं डी में बात करूं डी सबसेल में बात करूं अगर डी सबसेल लेता हूं तो डी सबसेल में डी सबसेल में कितने होते हैं पांच होते डी सबसेल में कितने होते हैं पांच होते है। कौन कौन से देख लेना डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये जो होते हैं कहां होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं ये कहां होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये सारे क्या होते हैं ऑन द एक्सिस होते हैं ये सारे क्या होते हैं ऑन द एक्सिस होते हैं इन दोनों का इन तीनों का पहले वाले का देख लो डी एक्स वाई बोले कोई दिक्कत नहीं x और y में लो और डबल फ्लावर बना दो अगर ये x है ये y है तो इनके बीच में 45 डिग्री के एंगल के बीच में बना दो सर डी वाई जेड बोले डी वाई जेड कोई दिक्कत नहीं डी वाई जेड अपने पास वाई और जेड के बीच में ऐसे बना दो वाई और जेड के बीच में ऐसे बना दो डी जेड एक्स बोले तो डी जेड एक्स में देख लेना अपने पास डी जेड एक्स में भी ऐसे ही कहानी बना देंगे ये जेड एक्सिस हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया सबके पास देखोगे अगेन दो नोडल प्लेन आएंगे सबके पास दो नोडल प्लेन आएंगे इसके पास भी दो नोडल प्लेन होगा टू नोडल प्लेन होगा अभी बनाऊंगा स्ट्रक्चर लेकिन बस यहाँ लिख देता हूँ ताकि जिनको रिवाइज़ करना है इसके पास जीरो नोडल प्लेन जीरो नोडल प्लेन कोई भी नोडल प्लेन नहीं आएगा डी जेड स्क्वायर में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर देख लो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर देखोगे कैसा बनेगा ये एक्स एक्सिस है ये है। वाई एक्सिस है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा ऑन द एक्सिस बन जाएगा एंड दैट्स वाई अपने को जब आप कॉर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो तो वहां पता चलता है कि ये लोग क्या होते हैं डी जेड स्क्वायर में देखोगे डी जेड स्क्वायर में ये जेड एक्सिस है ये देख लेना इसका शेप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसके शेप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है यहां जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जो रिंग होता है एक्सवाई प्लेन में होता है ये जो रिंग होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है ये जो रिंग होता है ना वो एक्स वाई प्लेन में होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हर एक प्लेन में है इसीलिए इसका कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है नो नोडल प्लेन कोई नोडल प्लेन नहीं होगा नोडल प्लेन कहीं भी नहीं होने वाला इसके केस में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा ठीक है तो ये अपने पास देख ले अब देख ले ये रिंग इसमें तीनों एक्सिस पे एक्स वाई और जेड तीनों पे इसलिए इसका कोई नोडल प्लेन नहीं इसके दो नोडल प्लेन आ जाएंगे इसके दो नोडल प्लेन आ जाएंगे तो बोले सर क्या है तो भाई नोड वो है नोट्स क्या है तो नोट्स क्या होते हैं सर वो जगह रीजन जहां पे आपको मिलने की रीजन वेयर प्रोविलिटी ऑफ वेयर प्रोबिलिटी ऑफ वेयर प्रोबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन प्रोवलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो जहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए जीरो हो जाए नोट्स अपने पास देखोगे तो दो टाइप के होते हैं एक होते हैं रेडियल नोट्स रेडियल नोट इसको हम लोग लिख देते हैं एन माइनस एल माइनस वन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो और एक होते हैं एंगुलर नोट एंगुलर नोट क्या होंगे तो सर सीधा सीधा एजमथल क्वांटम नंबर के इक्वल अगर तुमसे कोई पूछ दे टोटल नोट बताओ तो टोटल नोट जो होंगे टोटल नोट कितने हो जाएंगे दोनों को ऐड कर दो टोटल नोट कितने हो जाएंगे एन माइनस वन रेडियल नोट एंगुलर नोट रेडियल नोट कोई स्फेरिकल नोट भी बोल देते हैं रेडियल नोट किसका होगा कितना होगा एन माइनस एल माइनस वन एंगर नोट कितना होगा एल टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे एन माइनस वन हो जाएंगे रेडियल मतलब रेडियस पे डिस्टेंस देखना और कुछ नहीं नोट्स मतलब जहां पे साई si की वैल्यू क्या हो जाए जीरो अगर साई si की वैल्यू जीरो हुई मतलब साई si स्क्वायर भी जीरो जहां साई si स्क्वायर भी क्या हो जाएगा जीरो साई स्क्वायर डी बी भी क्या हो जाएगा जीरो याद रखना और कुछ नहीं अगर कोई ग्राफ वाइज क्वेश्चन देना चाहता है अगर कोई ग्राफ वाइज क्वेश्चन देगा तो ग्राफ में ये देख लो कि नोडल प्लेन जहां पे साई si की वैल्यू मतलब, जहां साई si की वैल्यू जीरो वही क्या है नोड रेडियल मतलब रेडियस के डिस्टेंस पे रेडियस पे रेडियस पे देख रहे और एक होता है कि एंगुलर मतलब कि अपने पास क्या हो जाएगा सीधा सीधा हो। उस देख लो एंगल पे देख लो ठीक है उसके हिसाब से से देख 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 ले भाई चल भाई चल क्वेश्चन क्वेश्चन ये देख। कौन क्वांटम सेट ऑफ नंबर्स पॉसिबल नहीं है ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि सर कौन से परमिशियेबल नहीं है कौन से परफेक्ट नहीं है कौन से परमिशियबल नहीं है बस ये चैप्टर खत्म करते हैं उसका ब्रेक देता हूं ठीक रिवीजन करा रहा हूं पढ़ा कर रहा हूँ रिवीजन करा रहा हूं यार ठीक है एन की वैल्यू हाँ पढ़ाने वाला टॉपिक अब पढ़ाने का एक दिन में थोड़ी ना पूरे साल भर तू ऐसे कैसे मतलब ऐसे डॉक्टर बनेगा क्या कि एक कैप्सूल को तीन दिन में टाइम टाइम डेज एक पेशेंट को तुमने ऐसे लिखा और वो पेशेंट बोले सर मैं एक काम करता हूं पंद्रह एक टाइम में खा लू तो बात तो बराबर ही होगी ना तुझे ही पता है दोनों इक्वल है ना सर क्या सर तो आप दवाई लिखोगे डॉक्टर बनने के बाद एक कैप्सूल को एक कैप्सूल को तीन दिन तीन टाइम खाना है पांच दिन तक खाना है तुम डॉक्टर बनकर ये लिखोगे पेशेंट आके बोले कि नहीं सर एक काम करते पंद्रह ही कैप्सूल तो खाना है एक बार मैं खा लेता हूं कभी भी खा लूंगा तुम्हें तो लगता है वो जिंदा रह जाएगा और तुम्हें कितना मजा आएगा भाई अभी इस टाइम पे हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में आप सोचोगे कि अब एक एक चीज भाई अब एक कोई बोल रहा है डेरिवेशन भाई डेरिवेशन क्यों करूंगा रिवीजन में मैं ठीक है रिविजन में थोड़ी ना डेरिवेशन होती है यार पहले कहाँ थे बस ये है कि हां भाई जो अब सिलेक्शन वाले लोग हैं बैठे हुए तो उनको बस फटाफट रिवाइज करें खत्म करो ठीक है क्या होगा देख ले यहां पे कौन सा परमिशिएबल नहीं है ये देखना आपने को क्या बोल रहा है कि सर एन की वैल्यू थ्री है देखना एन की वैल्यू थ्री है एल की वैल्यू थ्री हो जाए नहीं एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है जीरो से लेकर एन माइनस वन तक तो सर एल ये नहीं होगा सेकंड वन नहीं होगा सर ये एल की वैल्यू जीरो है और ये कितना हो गया माइनस वन M की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है माइनस एल टू प्लस एल माइनस एल टू प्लस एल सर ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है तो भैया ये भी नहीं पॉसिबल है तो ये भी थर्ड

अरे सीधा सीधा क्वेश्चन भी कर सकते थे लेकिन हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं कर लेते हैं अब लास्ट टाइम मिल रहे कर ही लेते हैं यार ठीक है ये देख अपने को ये देखो ये पूछा गया है हाँ एंगुलर मोमेंटम ये भाई सब अच्छा क्वेश्चन इसी बहाने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज जाएंगे देख लो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है ध्यान से देख लो किसका होगा सर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जाते हो तो आप क्या करते हो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकाला जाता है एन इंटू एन प्लस टू बी एम हो जाता है तो फोर का आंसर क्या आना शुरू वन का सॉरी फोर का आंसर क्या P आएगा पी आएगा एन इंटू एन प्लस टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा सर थ्री का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकालते ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते है? ये कहा गया मैग्नेटिक मोमेंट एन प्लस वन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितनाटम कितना हो गया तो वन का क्यू हो गया वन का क्यू हो गया थ्री का और ऑर्बिटल मोमेंटम कहा गया अपने पास इन दिस तो सर टू का एस टू का एस हो गया वन का क्यू हो गया थ्री का आर हो गया फोर का पी हो गया तो क्या आंसर आ जाएगा यही होगा ना क्या आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस करते रहो ये छोट छोटे छोटे क्वेश्चन है उठाओ अब देख भाई कहीं पे कुछ क्वेश्चन आपको फॉर्मुला रिवाइज कराएगा कहीं पे ये रिवाइज हो रहा होगा हो जाएगा सर श्योर हो तो भाई ये ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं क्वांटम नंबर्स अपना फिनिश्ड है यही स्टेट्स ऑफ अपने पास होता है ना कि भाई देख जितना हो सकता है उतना ज़्यादा हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं ठीक है थेके? अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से यहां से अब थोड़ा सा फास्ट हो सकता है क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है चलो एक काम करते हैं पाँच पच्चीस रहे ठीक है ना अब एग्जाम अपना बीतने वाला है दो बजे से लेके साढ़े पाँच तक पांच बीस तक का टाइम था मैंने पांच बीस तक का रखा था चलो कोई बात नहीं जितना हुआ उतना हुआ अभी एक काम करते हैं कोई बोल रहा है जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट भाई बता देता हूं मैं जीमन और स्टार्क में कुछ नहीं जीमन इफेक्ट क्या होता है और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है स्टार्क इफेक्ट मतलब कि सर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं इन सब में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है यहां भी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ही हो रहा है इन दोनों के केस में इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टार इफेक्ट और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं जीमैन इफेक्ट ये क्या है ये दोनों में क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें पक्का